सत श्री अकाल डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुवरजोत सिंह। अपने आप नू खुद ही ढीठ कहण वाली कंगना रनौत ने माफ़ी मांग ली है, किसानों तो माफ़ी मांग ली है। हुण तुहानू पूरा मामला दसदे हां, पूरा मामला की है। कीरतपुर तो रोपड़ वाल कंगना रनौत जो जा रही सी अते रस्ते च ही उसकी गड्डी जो है वह किसानों ने घेर ली, किसानों ने गड्डी घेर ली। अते वड्डी गल कही भी जो तक कंगना साडे तो माफ़ी नहीं मंगदी असी रस्ता इसका नहीं खाली करांगे। अते हुण एक वीडियो सामने आ रही है जिस विच ओ किसानां तों माफ़ी मांग रही है। हुण तुहानूं दस दिंदे आ, अक्सर ही जो किसानां दे खिलाफ जो जहर उगलदी रही है कंगना रनौत, अते इह वी सब तों वड्डी गल उसदा एक बयान बहुत ज़्यादा फेमस होया सी, उसदे ट्रोल्स भी बहुत बने सन, जिस विच उसने कहा सी वी देश की जो आज़ादी है वह 47 च नहीं 2014 च होई सी, जदों कि कह सकते हाँ भी बीजेपी की सरकार आई सी नरेंद्र मोदी जदों प्रधानमंत्री बड़े सन, देश उदों आजाद होया सी। उस तो पहला वो गुलाम ही सीगा, बाहरलियां दा गुलाम ही सीगा। जरूर इस ते बहुत ही तो कह सकते हैं ट्रोल्स भी बने, लोगों ने उसकी खिलाफत भी बहुत ज़्यादा की। हुण गल है वह अपने आप को खुद ही मणिकर्णिका कहण वाली अक्सर ही कहती रहती सी, अक्सर ही स्टेटस पाती रहती सी। ट्विटर हैंडल भी उसका बंद कर दिता गया सी, ट्विटर हैंडल भी किस करके डिलीट किया गया सी भी ये लोगों नू भड़कांदी है, लोगों नू भड़काने वाले जो है ट्वीट्स पाती है, उस करके ट्विटर हैंडल जो है डिलीट कर दिता सी। अते जे किसान अंदोलन की गल करिए लगातार ही किसानों नू खालिस्तानी अतवादी जिहो जे शब्द वरतदी ही रहिंदी सी। अते ये गल कहिंदी सी जो किसान अंदोलन है वह बाहरली फंडिंग नाल चल रहा, जिहड़ा उत्थे लंगर आ रहा वह किस तरीके नाल आ सकदा, वह बिना बाहर दी फंडिंग तो किस तरीके नाल उत्थे आ सकदा, उहदी जिहड़ी फंडिंग है अफगानिस्तान तो है, पाकिस्तान तो है, खालिस्तान फंडिंग कर रहा है, या इंग्लैंड तो फंडिंग हो रही है, या कैनेडा तो फंडिंग हो रही है। फंडिंग ते बहुत ज़्यादा सवाल उठाती सी, कहती सी भी किसान अंदोलन नहीं है। तो सब तो वड्डी गल 19 नवंबर का दिन जो नरेंद्र मोदी सवेरे लाइव होंदे हन, लाइव होके एक ऐलान कर देंदे हन जो हर किसान सुनना चाहता सी, जो दिल्ली की बरूहां ते बैठा होया सी, वह कहिंदे उन्होंने ये गल कही सी भी जिहड़े कानून बने ने वह असी वापस लैंदे आ, अते असी जो कानून है वह समझा नहीं पाए, एक वर्ग नूं समझा नहीं पाए, उस वास्ते माफ़ी भी मंगी सी। अते उस तो बाद कंगना रनौत जो फिर कह सकते हैं एक्टिव हो जाती है, फिर स्टेटस पाती है, अते ये गल कह देती है भी तुहानू इन्हां सामने इन्हां अतवादियों सामने झुकना नहीं चाहिदा सी। अते वड्डी गल कह दिती जाती है, उस तो बाद इंदिरा गांधी का ट्वीट पाया जाता है, और ट्वीट के पिछे ट्वीट भी नहीं कह सकते स्टेटस पाया जाता है, क्योंकि ट्विटर तो जो अकाउंट है वह डिलीट हो चुका है, तो स्टेटस पाया जाता है, कहा जाता है भी वैसे तो मैं इंदिरा गांधी की जिहड़ी सोच है उस नाल 100% तो एग्री नहीं हो सकती, पर जो उन्होंने किया बहुत वधिया किया सीगा। अते इस तरीके नाल ही नरेंद्र मोदी नू या होर किसी नू जो है इदा ही जो भी प्रधान नरेंद्र मोदी नू इस तरीके नाल ही करना चाहिए जो किया गया सी, अते उस तरीके नाल ही करना चाहिए, ता ही इन्हां लोगों के मुँह बंद किए जा सकते हैं या इन्हां नू कुचलिया जा सकता है। सो लगातार गल करिए लगातार ही कुछ ना कुछ बोलती ही रहती सी, जहर उगलती ही रहती सी, पर वही अज जहर उगलन वाली क्यों किसानों तो माफ़ी मांग रही है। गल ए वै हुण जे रस्ता रुक गया तो स्टैंड भी लैंदी, कह देंदी भी हाँ मैं नहीं माफ़ी मंगती, मैं जो किया सी सही किया सी, मतलब यही गल है भी अपने आप ते यकीन नहीं सी भी मैं सही किया सी। जे इन्ना कुछ बोलती भी सी तो इसके पिछे कारण की सी, भी टिकट चाहिदी सी या होर कुछ सी। हुण तुसी भी वो वीडियो देखो जिस विच कंगना रनौत ने जो है माफ़ी मंगी है। चलो